अलैकुम। तो अमर यमीन और शुएब मकसूद जो है जिन्हें वो टाइमली टाइम आउट पर रन आउट दे दिया गया पाकिस्तान के T20 कप में पहली बार, उनके साथ एक अजीब गरीब वाक्य पेश है। वो कराची से वापस आ रहे थे जो T20 कप जा रही है उसमें से, तो उन्हें रास्ते में पुलिस ने रोक लिया। चुप बकोल उनके, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये शुएब मकसूद और अमर यमीन ने ट्विटर पर ट्वीट किया कि हमें रोक लिया गया और हमसे रिश्वत मांगी और हमें 8,000 रुपये की तक रिश्वत मांगी गई। और उन्होंने कहा कि हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इस बात पे कि हम सिंध में नहीं रहते बल्कि हम पंजाब में रहते हैं और हमें पंजाब में एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे। अगर इस तरह का सीन हुआ है, अगर क्रिकेटर को नहीं छोड़ा जा रहा सिंध में, फिर क्या हालात होंगे? अगर ये सच है तो फिर जिन लोगों ने किया उनको पकड़ा जाए। सिंध में तो हर रोज़ कहा जाता है इतने बुरे हालात हैं, हालांकि आज तो कल तो इस्लामाबाद में भी इतने बुरे हालात हैं, चोरी की बात आते डेली इतनी होती है, डेली जो है रोज़ इतनी अपडेट आती है कि इधर से चोरी होगी उधर से चोरी होगी। तो इन चीज़ों की रोकथाम के लिए जो सिक्योरिटी अदारे हैं उनको काम करना चाहिए, वरना ये हालात अगर क्रिकेटर तक पहुँच चुके हैं तो फिर बाकी के लिए आम आवाम के तक महफूज रहेगी। क्योंकि हर इंसानी काम आदमी की भी शहरी की हिफाजत बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक बड़े बंदे को अगर इस तरह पकड़ा जा सकता है तो हम छोटे बंदे तो हम जूझ मजूझ हैं जो आराम से पकड़ के डेली चोरी कर लीजिए पकड़ लिया जाएगा। सिक्योरिटी अदारे ये काम कर रहे हैं, अगर पुलिस ये काम कर रही है ऐसी पुलिस बदनाम होती है इस तरह कर करें, ऐसे तो नहीं पुलिस बदनाम होती ना, इस तरह की हरकत करती हैं, इस तरह के जो इश्यूज़ हैं टीवी पर राइज होते हैं तभी लोग पुलिस से नफरत करते हैं।